मामला तो बहुत सीनियर है, होंगे अगर की लड़ाई लड़ी होगी तो आपने हमारे लंगरों में रोटी तोड़ी होगी तो आपने हमें क्यों बुलाया? हमने थोड़ी राज कादियान साहब आप बोलिए प्लीज, नहीं मैं करेंगे तो हमें बुला लो, हमें टीवी सर मैं आपकी रोटी पे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और पाकिस्तान आप जैसों की रोटी पे जनरल एजाजवान साहब कुछ तो शर्म कर लो यार, आप तमाम मेहमान मेरे लिए काबिले मोहतरम है जो पाकिस्तान से है वो भी इंडियन पैनलिस्ट भी, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बारी का इंतजार कीजिए। भारत में मुसलमान कैसे हैं या आप कैसे उनके हालात को बयान करेंगे, एहतजाज क्यों कर रहे हैं और अमेरिका को क्यों तशवीश हो रही है कर्नल साहब? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रीएम्बल दिया और सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के इस नजरिए को और इस प्रोपेगेंडा को सिवाय पाकिस्तानियों के और वो भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है वो ही ज्यादा उसको वैल्यू करते हैं, अदरवाइज दुनिया में इस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है। और जिस अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं आप माइनॉरिटीज़ के रिलेशन में, पहली बात तो हम लोगों ने उसको खारिज किया है, लेकिन फिर भी चलिए क्योंकि आपके चैनल पे हैं तो मान लेते हैं कि वो ठीक होगी। उसमें आप अपना स्टेटस देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है, और आज हम बात कर रहे हैं तो कल ही एक रिपोर्ट आई सिंध में कैसे एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को अगवा करके और कैसे उसको मुसलमान बना के और किसी लड़के से शादी कर दी, तो ये पाकिस्तान के अंदर एक आम हालात है। तो पाकिस्तान जब इस तरीके की बातें करता है तो ये एक मजाक सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अकलियतियों के हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, वो बहुत ही बदतर हैं। इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं है। अगर आप चंद ट्विटर हैंडल्स की अभी भी आप कहेंगे करना सब हालात नहीं है, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि तमाम मेहमान अपना अपना मौके पहुंचाएं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप कुछ ट्विटर चंद ट्विटर के बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सहाफी होने का आपको तगमा नहीं मिलना चाहिए। आप बोलिए, मैं आपको सुनना ही चाह रही हूँ, जी बोलिए, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे जवाब चाहूंगी। जी कर्नल साहब, ये पैदा होते हैं तो ये जिस जगह भी जाते हैं इनकी अम्मा इनकी घुट्टी में ये पिलाते, इनकी माए जो है इनकी घुट्टी में ये पिलाती है कि आपने दुनिया को डिनाय करना है, झूठ बोलना है, रियाकारी करनी है, धोखादेही देनी है, रेप करने है, जुल्म करने हैं। अब ये सिर्फ कश्मीर तक ये आप अपने अपनी अपनी लड़की को कन्वर्ट करके और उसको शादी करा ली, आप इन्होंने इन्होंने कहा ना लड़की को कन्वर्ट, बात सुने आपको, मेरी छोटे छोटे अब मेरी बात सुनो, चुप अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात, मेरी फिजा इसको बंद करें, मेरी बात सुने, ये जी ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू कर्नल साहब, आप जरा बात तो सुन लीजिए ना, उन्होंने आपकी बात बड़े हम से सुनिए, आराम से सुनिए, तो ये अपनी बारी पे बोलिए, इन्होंने तो मेरी बात सुने, इन्होंने ये झूठे आदमी, ये पाकिस्तान के मक्कार आदमियों की बात सुनेंगे ना, ये कर्नल साहब आप उनकी बात तो सुनिए ना, आप आर्गुमेंट से बात कीजिएगा कर्नल साहब अपनी बारी पर प्लीज, इनके फौजी इनको गालियां देते हैं, इनके फौजी इनको गालियां देते हैं और इनके फौजी इनको कुछ कहा कि एक हिंदू एक एक मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, फिजा मेरी बात सुने, इन्होंने ये कहा, इस शख्स ने ये कहा, ये जिसको आप कर्नल साहब कह रही हैं, इन्होंने ये कहा कि जी आपने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा लिया, भाई तुम तो हो ही मुसलमानों की औलाद, हमने तो हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवाया ना, कर्नल साहब आपने इल्जाम लगाया ना, आप उसका जवाब भी तो सुन ले ना, जरा तहमुल के साथ फिर आपको मैं मौका दूंगी, आप बोलिएगा। अच्छा एक मिनट, कर्नल साहब आप तो सुन ही नहीं रहे, कर्नल दमवीर सिंह साहब सच सुन नहीं सकते, ये झूठ की पैदावार है, दमवीर सिंह साहब आप सुन ही नहीं रहे, इस टाइम पे आपका मुल्क भी आपको देख रहा होगा, आपका देश भी देख रहा होगा, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, बात भारत टाकरा बोल न्यूज, आप बात ही नहीं सुन रहे कर्नल साहब।
ये वो लोग हैं जो मुत्तर की इज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो जुल्म करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप भी जरा खामोश, ब्रिगेडियर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कर्नल तनवीर तो मेरी नहीं सुन रहे, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आप जरा सुन लीजिएगा, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, बच्चों को मारते हैं, ठीक है मेरी बात सुनिए पूरी, मेरी नहीं फिजा मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात का जवाब लीजिए फिजा, एक मेरी बात सुनिए, इस इन्होंने ये कहा कि जी हमने लड़की को कन्वर्ट कराया, और इन्होंने तो इंदिरा गांधी की शादी करते हुए मर्द को कन्वर्ट करा दिया था, झूठ तो देखेंगे, ये तो पैदावार ही मुसलमानों की है, उसका नाम फिरोज गांधी रख लिया था, फिरोज का नाम फिरोज गांधी रख दिया था, तो ये तो पैदावार ही मुसलमानों की है, किस तरह कह सकते हैं हम झूठ बोलते हैं। डॉक्टर फिजा आपके ब्रिगेडियर हेलो ठीक है चले ये चले ब्रिगेडियर साहब ठीक है, अब मैं बाकी मेहमानों को शामिल है गुफ्तगू करती हूं, आप दोनों की तरफ फिर आऊंगी, अभी प्रोग्राम में बहुत वक्त बाकी है, अब मैं आपको दोबारा मौका दूंगी जी, जनरल राज कादियान साहब आप कश्मीर की बात भी करते हैं ब्रिगेडियर साहब, अब मैं बाकी दोनों मेहमानों को जरा मौका दे दूं, दोनों मेहमान बिल्कुल खामोश हैं, जनरल एजाज अवान साहब जनरल राज कादियान साहब दोनों भी शामिल हैं, आप दोनों की इजाजत से अगर आप लोग मुझे मौका दें। फिजा मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरे एक बात सुन लीजिए फिजा, इन्हें तो मुसलमानों को कन्वर्ट कराते, राजीव गांधी मुसलमान की पैदावार, इंदिरा गांधी को उठा के देख ले किस किस से ताल्लुकात रहे, नेहरू को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब अब आपके जहन में जो पॉइंट है आप लिख लीजिए, मैं आपको मौका दूंगी इसी पर बात कंटिन्यू करने के, जनरल राज कादियान साहब जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब मुझे मौका दें, कर्नल दंडीर सिंह साहब मुझे जनरल राज कादियान को शामिल है गुफ्तगू करने, जनरल अब आपकी तरफ आ रही हूँ, पहले मुसलमानों पे लव जिहाद का इल्जाम लगाया गया, अब भारत में मुसलमानों को कोरोना जिहाद के नाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आ चुकी है ऑन रिकॉर्ड, अब तो यूपी पे तमाम चीजें आ जाती हैं, कुछ छुपा नहीं सकता, मुझे बताएं कि अब आपके देश में कोरोना भी जो फैल रहा है मुसलमान फैला रहे हैं, ये किस किस्म की नफ्सियात है जनरल साहब जरा समझा दें, कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डॉक्टर फिजा काफी लंबे अरसे के बाद आपके प्रोग्राम पे आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं अभी भी फिर उम्मीद जाहिर करता हूँ कि दोनों पड़ोसी मुल्क जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं, रहन सहन की, लैंग्वेज की, खाने पीने की, रिश्तों में सुधार आए और ये बॉर्डर ही खत्म हो जाए, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा शायद नहीं होगा। अभी जो आपने कई पॉइंट बताए, तबलीगी का आपने जिक्र किया, जनरल साहब हकीकत को रियलाइज करेंगे फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे ना, अगर आप कर्नल साहब जैसे लोग बिठाएंगे जो ट्विटर अकाउंट और उसका जिक्र कर, फिर ताल्लुकात किस तरह ठीक होंगे। आप सुन ले राज कादियान साहब की बात, नॉलेज नहीं होती और बुनियादी तौर पर जाहिल होते हैं, हुक्मरानों को ताल्लुकात ठीक करने का मतलब है कि ब्रिगेडियर साहब आप उनको मौका दें, मुझे जनरल एजाज अवान साहब का मौके भी चाहिए, तमाम मेहमानों से अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, वैसे में मैं क्या करूँ, अपनी अपनी बारी में बोलिए, आप तमाम लोग बहुत सीनियर हैं, सर की लड़ाई लड़ी होगी तो आपने हमारे लंगरों में रोटी तोड़ी होगी, तो आपने हमें क्यों बुलाया, हमने थोड़ी राज कादियान साहब आप बोलिए प्लीज, हमें बुला लो, हमें टीवी सर मैं आपकी रोटी पे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और पाकिस्तान आप जैसों की रोटी पे जनरल एजाज अवान साहब कुछ तो शर्म कर लो, आप तमाम मेहमान मेरे लिए काबिले मोहतरम है जो पाकिस्तान से है वो भी इंडियन पैनलिस्ट भी, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बारी का इंतजार कीजिए, बारी बारी सबको मौका मिलेगा बात करने का, कर्नल दनवीर साहब प्लीज, ब्रिगेडियर गजनफर साहब प्लीज खामोश हो जाइए, जनरल राज कादियान साहब को बोलने का मौका दीजिए, जिनसे मैंने सवाल पूछा बेचारे चुप हैं, जनरल राज कादियान साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर जवान साहब की तरफ आती हूँ, सबको मौका देती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे की बात सुनिए, इसमें किसी को समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कह रहे हैं, प्लीज जी राज कादियान साहब मैं एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर करता हूँ जो पहले भी कहा था, जिसमें दोनों मुल्कों में शक व शुबा या बदगुमानी ना रहे और दोस्ताना ताल्लुकात हो, लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी के दौरान ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद फिर भी है। आपने तीन पॉइंट का जिक्र किया, एक तो तबलीगी का जिक्र किया आपके पैनलिस्ट ने ब्रिगेडियर साहब ने, हिंदुस्तान में जो भी कोरोना को फैलाने का जुर्म करता है वो जुर्मी के नाम से देखा जाता है, मजहब के नाम से नहीं। हमारे सिख भाई भी महाराष्ट्र के नांदेड़ गुरुद्वारा से कुछ कोविड के इफेक्टेड लोग लाए थे, उन पर भी यही इल्जाम लग रहा है, तो ये नहीं कि इल्जाम तबलीगी पे लग रहा है क्योंकि मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने हुक्म की तामील ना करते हुए मीटिंग की थी, जबकि हुक्म था कि गैदरिंग नहीं हो, तो वो कसूरवार है, उनके खिलाफ केस चलेगा। अगर सिख भी ऐसे कसूरवार मिले, तहकीकात होगी
उन पर भी वही केस चलेगा, तो मजहब का इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आपके ब्रिगेडियर साहब ने या आपने अपने प्रीएम्बल में सीज फायर वायोलेशन का जिक्र किया था। देखिए, सीज फायर वायोलेशन का कोई मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास क्या मकसद है कि हम सीज फायर को वायलेट करेंगे? हमारा सीज फायर लाइन के उस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम इन्फिल्ट्रेटर भेजना चाहते हैं। अगर वो मकसद है तो पाकिस्तान का है। आप चाहे कोई भी नजरिया रखें, हर हिंदुस्तानी के दिल में ये यकीन है कि सारे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, भारत तो सिर्फ जवाब दे रहा है। दूसरा, आपने यादव का भी जिक्र किया, कुलभूषण का, फिर वही पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था जिसको पाकिस्तान ने ईरान से पकड़ के ले आया, उस पर झूठा इल्जाम है। आप चाहे उसको माने ना माने वो अलग बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी आपको कहा है कि आप इसकी दोबारा तहकीकात करवाएं, रीचेकिंग, वो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इस तरह डिनाई ना करें, उसका नाम मुबारक पटेल, डिनाई ना करें। आप जरा कुछ बता दें, आप हकीकत को एक्सेप्ट करें। पहले तो ये बताएं ना, ब्रिगेडियर साहब ने पहले तो उनसे पूछ लेते हैं कि वो कुलभूषण यादव है, मुबारक पटेल है, इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर, इतना झूठ तो ना बोले ना। नहीं, झूठ बोलने से तो काम नहीं होगा सर, चीज को हकीकत को एक्सेप्ट करें। कुलभूषण वाले बात पे भी क्या बात की जाए? झूठ बोलते हो, इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर, इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर, डोंट टेल लाई, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, कैसे बात करो, झूठ बोलते हो, रियाकारी करते हो, धोखाधड़ी करते हो। अगले प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गजनफर और कर्नल दनवीर सिंह, आप दोनों के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है? ये मैं आप दोनों से वादा करती हूँ। अगला ही उससे अगले प्रोग्राम में आप दोनों होंगे, मेरे ख्याल से दो गेस्ट बहुत होंगे, हमें चार गेस्ट की जरूरत नहीं होगी आप दोनों के लिए, आप दोनों का टाकरा। अच्छा, एजाज अवान साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। एजाज अवान साहब, अगर यही सिचुएशन है कि कुलभूषण के मामले पर भी जनरल साहब ने क्या मौकफ दिया, जनरल राज कादियान साहब ने, उस पर अब आप क्या कहेंगे? कुलभूषण किस तरह पाकिस्तान में आया, कैसे जासूसी कर रहा था, कैसे पकड़ा गया, अब इस पर भी इनकी राय हमसे मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? मुझे तो आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जनरल राज कादियान साहब बड़े सीनियर जनरल हैं और बड़ी आम पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन अगर वो एक ऐसी पोजीशन ले रहे हैं, एक डिनायल में जा रहे हैं, तो चलो वो तो हमारी कस्टडी में है। कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो केस ट्रीट किया जा चुका है, वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिली, तो दोनों कंट्रीज में एक पोजीशन है। देखिए, मसाइल तब हल होते हैं जब किसी भी मसले का इदराक कर लिया जाए, उसको एक कॉन्टेंशियस इशू या एक हल तलब मामला तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर आगे बात बढ़ती है। जनरल राज कादियान की आई रिस्पेक्टिव को ये कह रहे हैं कि मसाइल हल होने चाहिए। यकीनन हर बाशऊर आदमी कहेगा कि मसाइल हल होने चाहिए, ये लकीर को मिटाना या बॉर्डर लकीर नहीं है, दो रियासतें अपना वजूद कायम। जनरल साहब, आपकी आवाज का इशू आ रहा है, मैं पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ जरा इस इशू को फिक्स कीजिए, तब तक मैं दनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ और फिर जनरल एजाज साहब को दोबारा जरा लाइन पर लीजिएगा। रजा, दनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ, अब सिंपल सवाल मैं पूछना चाहूँगी इस सिचुएशन को खासतौर पे फेस करने के बाद जो भी हुआ, आप लोग अमन चाहते हैं या अमन ही नहीं चाहते? देखिए, अमन की डोर जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। अगर पाकिस्तान अमन चाहे तो ये अच्छा दिनों के अंदर जो है अमन जो है हासिल हो जाएगा, और अगर वो ये सोचे कि वो दहशतगर्दी करता रहेगा, पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे बताएं, ब्लैकमेल करेगा। दनवीर सिंह साहब, इस टाइम भारत के अंदर क्या हो रहा है अकलियतों के साथ? पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपके हाँ, जो आपके आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऑन रेकॉर्ड ये चीजें आ चुकी है कि वो जलसे में खिताब करते हुए कह देते हैं मुसलमानों के बारे में कुछ भी, तो कर्नल साहब इतनी मतलब सीनियर पोस्ट में बैठ के जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम बंदे से ज्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे खड़े होकर किस तरह की बातें कर देना, फिर अमन की बात आप कर रहे हैं, फिर आप साथ पाकिस्तान की वजह से अमन नहीं हो रहा, ये तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे मुल्क में लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम है और वो मैटर करता है।
बाकी इधर उधर किसने क्या बोला, ट्विटर पे क्या भेजा, आपको किसी ने व्हाट्सएप क्या कर दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। बट मेरे को आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सिंध में, मैं व्हाट्सएप की बात भी नहीं कर रही, अगवा करके आप मुसलमान मनाते हैं, ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है उनकी बात कर रही हूं, और एफआईआर लॉज नहीं होती, एक वो मियां मिट्टू की मजार में जो ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं, हमारे किसी मिनिस्टर को इस तरह का बयान देते हुए सुना जिस तरह आपके मिनिस्टर बयान देते हैं? आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, कुछ आप इस पे तबसरा करेंगी डॉक्टर? आप मुझे बताएं कि हमारे मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं जैसे आपके मिनिस्टर्स करते हैं मुसलमानों को लेकर? मैं बताता हूं फिजा जी। जी ब्रिगेडियर साहब, आप हमें ये बता दें कि जो हिंदू लड़कियों के साथ में आप करते हैं, मेरी बात सुने, क्रिश्चियन लड़कियों के साथ में करते हैं, जो सिख लड़कियों के साथ में करते हैं, वो आपके यहाँ पर कहाँ करते हैं होगा या क्या बातें कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और फौज की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ है। फिजा फिजा आप इनसे वो सवाल कर, आप जवाब सुने ना करना साहब, अपनी बातों का जवाब सुने था मुझे जी। ब्रिगेडियर जनरल का सवाल है ये, आप इनसे वो सवाल कर रही है फिजा, आप इनसे वो सवाल कर रही हैं जो अकल से ताल्लुक रखता है। इनको सिंध और एक लड़की के अलावा तो कुछ नहीं आता। जामिया इस्लामिया में एक लड़की को पकड़ा था, वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़। यार इंदिरा गांधी, तुम तो पैदा ही मुसलमानों की पैदावार हो, फिरोज गांधी वाज अ मुस्लिम, फिरोज गांधी वाज अ मुस्लिम, यार तुम तो पैदावार ही मुसलमानों की हो, तो इंदिरा गांधी का ड्राइवर कौन था? इंदिरा गांधी के एडीसी ने किताब लिखी है ना, अभी सिखों ने तुम्हारे साथ क्या किया, सिखों ने इंदिरा गांधी के साथ क्या किया, सिखों ने राजीव गांधी के साथ क्या किया, श्रीलंका में राजीव गांधी के साथ क्या हुआ? हर जगह तो तुम्हें मार पड़ती है, हर जगह तो तुम्हें जूते पड़ते हैं, हर जगह तो तुम्हें जूते पड़ते हैं, जूते भी नहीं सुन सकते हो। राजीव गांधी को किसने जूते मारे? राजीव गांधी को किसने जूते मारे? इंदिरा गांधी को सिखों ने खड़का दिया। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूं, बार बार बात कीजिए, आप दोनों इस तरह ना कीजिए। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, कर्नल रणवीर सिंह साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, हमने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आरएसएस ने गांधी को मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? नागालैंड में तुम्हारे फौजियों को मारा।